कार सबको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी तीर्थ यात्रा बहुत बहुत सफल हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। आप खूब अच्छे से दर्शन करके आएं और खूब एंजॉय करें पूरी यात्रा, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। लगभग हर हफ्ते एक ट्रेन जाती है तीर्थ यात्रियों को लेके। आज भी 780 लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में। जैसा बताया गया कि अभी तक 82 ट्रेन जा चुकी हैं और लगभग 80,000 तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई ट्रेन जाए तो उनको विदा करने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आऊँ, यहाँ पे सबसे मिलके जाऊँ और आप सब लोगों को अच्छा अच्छा विदा करके जाऊँ। तो आज भी आप लोगों से मिलने के लिए मैं चला आया और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं हैं। अक्सर इन सभी ट्रेन्स में ज़्यादा महिलाएं जाती हैं। उसका एक कारण ये भी है, जैसा भी आतिशी ने बताया, अपने समाज में आदमी तो फिर भी काम के सिलसिले में इधर उधर पूरा घूम आते हैं, महिलाओं को मौका नहीं मिलता। उनकी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लालन पालन में बीत जाती है और जब भी वो महिला अपने आप को पीछे ही रखती है, सब कुछ अपने परिवार के लिए करती है। इसमें एक मौका मिल जाता है जाने का। और दूसरा ये भी है कि मोहल्ले की सारी महिलाएं इकट्ठी होकर जाती हैं तो एक मन भी लग जाता है। रास्ते में आप जाओगे, देखना, मंदिर तो देख के आओगे ही आओगे, लेकिन रास्ते में जो आपका जो ट्रेन की यात्रा है इसमें बहुत मजा आएगा। सारी यात्रा सफर आपका भजन कीर्तन करते हुए जाएगा, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगी ये यात्रा। और कई सारा मैं देखता हूँ पूरे के पूरा मोहल्ला जाता है, लेकिन नहीं भी जाएगा तो आपके सारे नए दोस्त बन जाएंगे, पूरी ट्रेन आपकी दोस्त बन जाएगी और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। बस थोड़ी ठंड है, अपना ख्याल रखना। मेरे को पता है हर एक के साथ कोई ना कोई जवान आदमी अटेंडेंट के तौर पे भी जा रहा है, तो आप सब लोगों को अपने बुजुर्गों का सबको ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में सर्दी लग जाए। वैसे तो ट्रेन में डॉक्टर का भी इंतजाम है, हमने कोशिश की है रास्ते में आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी अगर कमी बेशी हो तो पहले से ही मैं माफी मांग लेता हूँ। वैसे तो जितने यात्री यात्रा करके आते हैं उनसे हम पूछते हैं भाई कोई कमी तो नहीं रह गई, तो जितनी कमियां हैं उनको हम दूर करते चले हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो मैं पहले एडवांस में आप लोगों से माफी मांग लेता हूँ। और आज निकलोगे, परसों सवेरे आप लोग द्वारकाधीश पहुंच जाओगे। फिर 3 दिन मंदिरों के दर्शन है, द्वारकाधीश के भी दर्शन है और सोमनाथ मंदिर के भी दर्शन है। बड़े भाग्य हैं आप लोगों के जो दोनों इतने बड़े बड़े मंदिर एक साथ आप लोगों को देखने को दर्शन करने को मिले। बहुत सुंदर है, मैं दोनों जगह गया हुआ हूँ। द्वारकाधीश भी बहुत सुंदर मंदिर है, सोमनाथ भी बहुत सुंदर मंदिर है। तो अच्छे से आप लोग यात्रा करके आना। और अब हमारी पंजाब में भी आप लोगों के आशीर्वाद से पंजाब में भी सरकार बन गई, तो परसों से यही तीर्थ यात्रा योजना पंजाब में भी चालू हो रही है। तो मैं परसों पंजाब जा रहा हूँ, इस वहाँ के भी बहुत सारे लगभग 1,000 यात्री परसों एक ट्रेन जा रही है नांदेड़ में, तो वहाँ के भी तीर्थ यात्रा करने वहाँ भी शुरू हो गई है, वहाँ भी बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। जहाँ जहाँ आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी वहीं सारे बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा कराते जाएंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को कैसे हराते हो, आपके पास तो पैसा भी नहीं है। तो हम हराते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का आशीर्वाद उनके बड़े बड़े पार्टियों के सामने ज्यादा ताकतवर है। इतने हजारों लोगों का फ्री में इलाज कराते हैं अस्पतालों के अंदर, फ्री में दवाइयां देते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, वो आज सब लोग आशीर्वाद तो देके जाते हैं। इतने गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा कराते हैं, स्कूल ठीक कर दिए, जिन जिन लोगों के बच्चे अच्छे बन गए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर गए, वो सब आशीर्वाद तो देते हैं। इतने लोगों को, 80,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा दी, ये सब लोग आशीर्वाद तो देते हैं। इस आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं है, उनके पास अरबों रुपए होगा दूसरी पार्टी वालों के पास, हमारे पास अरबों लोगों का आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद ही हमको साहस देता है, हिम्मत देता है। तो आप लोग खूब अच्छे से होके आइए और खूब अपना ख्याल रखिएगा रास्ते में। और मैं भी आऊंगा आप लोगों के बीच में, एक राउंड लगा के आपके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे। तो आप अपने अपने स्थान पे बैठे रहेगा, सबसे मिलके जाऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
लवली आर्यावर्त, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।